अस्सलाम वालेकुम, मैं शाफ शुभ खुश आमदी बात करनी है। अभी मैं कभी तुम के एपिसोड में 28 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा उसका वाइफ उससे कहता है कि उसको जो है यहाँ पे आके रहना चाहिए हमारे साथ, और दूसरी तरफ जो है वो काफ़ी हैरान होता है आखिर ये सब कुछ कहता है। उसकी माँ जो है काफ़ी जो है खुश होते हैं। अभी मुस्तफ़ा से कॉन्टैक्ट करता तो उससे कहता है कि नहीं, वो जो है इस तरह से काम नहीं करेगा। अदील जो है वो हर सब कुछ उसने अपने लैपटॉप में रखा था और वो जो है पूरी कोशिश करते हैं किसी तरह जो है उस तक पहुँचा जा सके। उसे अपनी जो है अपनी शर्त उनके सामने रखता है। वहीं जो है वो उसके साथ जो है इंटरेक्ट होने की कोशिश करती है और वहीं मुस्तफ़ा को बुलाता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है उसके असूलों पे। आने वाले एपिसोड में देखेंगे उसकी काफ़ी कदर करता है कि इसकी वजह से हमारी कंपनी जो है वो गेमिंग में बेताज बादशाह बन जाएगी। वहीं दूसरी तरफ फिर बाप के सामने उसका बाप जो है उसका सारा सच रख देता है कि तुम्हारा शोर ये सब कुछ करता फिर रहा है। अदील जो है हर चीज़ को हैंडओवर करने की कोशिश करता है और अपने माँ बाप से कहता है कि वो उनके साथ वहाँ पर चलें क्योंकि वो यहाँ पर इस छोटे घर में नहीं रह सकता है। वहीं जो है उसका काफ़ी ख्याल रखता है और हर तरह से पैसा भी कमा रहा है, लेकिन वो उसे कहती है कि मुझे सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि तुम्हारा टाइम और तुम्हारी मोहब्बत भी चाहिए। अब देखना ही आने वाले एपिसोड में क्या होगा, क्या पैसा कमाने की दौड़ में मुस्तफ़ा वो सब चीज़ें और जो है शर्जीना के साथ अपना खूबसूरत लम्हात को गवा देगा, और दूसरी तरफ दिल का सच जब आएगा रुबाब के सामने तब रुबाब क्या करेगी उसके साथ। आप भी अपने रिकमेंड के जरिए जरूर दीजिएगा।